एवरीवन, वेलकम टू सीएमए लाइफलाइन। आज हम लोग हमारे वीडियो सीरीज के नंबर 12 लेक्चर में है, जो कि हमारा लेबर कॉस्टिंग का ऊपर में है। ठीक है, तो लेबर कॉस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे आज, एम्प्लॉय टर्नओवर के ऊपर में सम्स करेंगे। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स मतलब फॉर्मूलाज। ओके, सो क्या है इसमें, हम लोग पहले एम्प्लॉय टर्नओवर के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द एम्प्लॉय फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड मेजर्ड अगेंस्ट अ स्वेटेबल इंडेक्स। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रेट ऑफ चेंज इन द एम्प्लॉय कंपोजिशन ऑफ द एम्प्लॉय, उसको हम लोग टर्नओवर के हिसाब से मेजर करते हैं। लेकिन उसमें एक हमारा स्वेटेबल इंडेक्स रहता है, वो इंडेक्स क्या होता है मैम? इंडेक्स इज नथिंग बट द एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ द ईयर और पीरियड डिवाइडेड बाई टू। इसका मतलब दोनों का समेशन करके टू, दैट इज द इंडेक्स विच हियर दे आर स्टेटिंग अबाउट। ठीक है, तो टर्नओवर निकालने के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स। सबसे पहले जो मेथड हम लोग करेंगे दैट इज रिप्लेसमेंट मेथड। तो क्या होता है रिप्लेसमेंट मेथड? यहाँ पे जो एक्चुअल रिप्लेसमेंट होता है एम्प्लॉई, वो रिप्लेस्ड हो जाता है और इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पर्संस लीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक्चुअल जितना रिप्लेस होता है वो टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन जो हम लोग को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग चेंज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस, जितना हमारा रिप्लेस हो रहा है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहते हैं, कैसे निकलता है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर ऑन और पीरियड ऑन रोल, दैट इज इक्वल टू एट द बिगिनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट एंड डिवाइडेड बाई टू। तो ये हो गया हमारा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यही वो इंडेक्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये है हमारा जो फॉर्मूला है रिप्लेसमेंट मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड आपके रिप्लेसमेंट मेथड से थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है ना, इन दिस मेथड एम्प्लॉय टर्नओवर इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड बाय द एवरेज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन पेरोल। ये इसी तरह से हम लोग सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। जितना आपका सेपरेट मतलब आपको छोड़ के पूरी तरह से चला जा रहा है वो डिवाइडेड बाई वैसे ही जैसे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द पेरोल था इनटू 100। सो यू आर गेटिंग द परसेंटेज टर्नओवर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूला इज द फ्लक्स मेथड। ठीक है, फ्लक्स मेथड क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड मतलब सेपरेशन मेथड से एट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड मतलब रिप्लेसमेंट मेथड से, इन दोनों को एड करते हैं देन डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल। मतलब वही एट द बिगिनिंग एट द एंड डिवाइडेड बाई टू दैट इंटू 100। तो यहाँ से हमें फ्लक्स मेथड मिल जाएगा। क्वेश्चन में स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए रिप्लेसमेंट मेथड सेपरेशन मेथड फ्लक्स मेथड से एम्प्लॉय टर्न ओवर रेशियोज बताइए। ठीक है, रेशियोज नहीं पूछते, एक्चुअली दे आस्क फॉर एम्प्लॉय टर्न ओवर कितना है वो बताइए। तो आप परसेंटेज में इसका आंसर निकाल के दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक न्यू कंसेप्ट, दैट इज अगर आपने जो एम्प्लॉयज आपने छोड़ दिए जो छोड़ दिया या फिर अगर छोड़ने से पहले भी अगर आप न्यूली कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका न्यू रिक्रूटमेंट हो रहा है कंपनी में, तो आप इसको कैसे दिखाइएगा अपने फर्म को, अपने दूसरे जो भी हैं उनको आप कैसे ये टर्नओवर शो करिएगा। उसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू जॉइनिंग, जितना
साल में हमारा ज्वाइनिंग किया डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाई वाला बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इंटू 100 कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एम्प्लॉय टर्नओवर ड्यू टू न्यू इक्विपमेंट रिक्विपमेंट। ओके, और एक लास्ट है जिससे हम लोग को टर्नओवर रेट के बारे में पता चलता है कि हमारा रेट ऑफ चेंज कितना है, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कितना है हमारा। तो उससे वो कैसे निकलेगा, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द पीरियड, उस पीरियड में जो हमारे ऊपर के मेथड से जो भी आपका आ रहा है वो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड, उस पीरियड में आपका कितना सारा नंबर ऑफ डेज यू आर एक्चुअली हैविंग और गोइंग थ्रू इनटू 365 डेज, ठीक है। तो इससे आपको इक्विवेलेंट एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक दो सम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट का सम सॉल्व करते हैं। देखिए, ड्यूरिंग अक्टूबर 2015 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसमें बोला कि लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ दिस एंड एट द एंड ऑफ द मंथ दिस। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ये है, एंड में ये है, सो हम लोग को इससे क्या मिल जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड, वो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द पीरियड 25 पीपल लेफ्ट व्हाइल 40 पर्संस वेर डिस्चार्ज्ड, 280 एम्प्लॉय वर्कर्स वेर एंगेज्ड आउट ऑफ विच 30 वेर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। मतलब वैकेंसी में ये एक्चुअली काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट के बारे में बता रहा है, सेपरेटेड क्रिएटेड बाय द वर्क सेपरेटेड, कौन सेपरेटेड हो गया, लेफ्ट, 40% वेर डिस्चार्ज्ड, तो क्या क्या 25, 40 ये दोनों मिला के आपका सेपरेशन आ गया, एंड द रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम, ठीक है। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर बाय डिफरेंट मेथड्स, अब आपको मेथड्स भी पता होना चाहिए कि हम लोग तीन मेथड्स की मदद से सॉल्यूशन करेंगे, वन है रिप्लेसमेंट, दूसरा है सेपरेटेड, थर्ड है फ्लक्स मेथड, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक और शायद यूज किया है, दैट इज एडिशनल मेथड, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो देखते हैं क्या किया है, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर टर्नओवर, क्या क्या निकाला, सबसे पहले एडिशंस मेथड, ये कैसे होगा, आपका जितना ऐड हुआ कंपनी में, दैट इज नंबर ऑफ एडिशंस डिवाइडेड बाई, तो देखिए यहाँ पे वही 2000 निकाला है, 2000 कैसे आया आपका, वर्किंग नोट देखते हैं, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन ऑल द अबव मेथड्स कंप्यूटेड बाय टेकिंग ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो 1900 प्लस 2100 डिवाइडेड बाय 2 करने से 2000 आ जाएगा आपका। ओके, सो विद दिस वी आर गेटिंग दिस, ठीक है, आपका आ जाएगा 14%, ये वही वाला 280 का है जो कि आपका एक्चुअली में 280 वर्कर्स वेर एंगेज्ड आउट ऑफ विच इतना अपॉइंटेड इन वैकेंसी एंड दिस सेपरेटेड, ठीक है, तो वही 280 वर्कर्स के बारे में बताएंगे, तो ये आपका टोटल एडिशंस हो गया। सेपरेशन मेथड से क्या करना है, नंबर ऑफ सेपरेशंस बाई नंबर ऑफ, वही फॉर्मूला सेपरेशन मैंने आपको बताया ना, 25 प्लस 40 होगा, तो देखिए सेपरेशंस कितना आया वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय वही। रिप्लेसमेंट मेथड में क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड, विच इज 30, क्योंकि रिप्लेसमेंट आपका 30 हो रहा है, सो इट इज कमिंग 1.5%। फ्लक्स मेथड में क्या करना है आपको, सेपरेशन मेथड एडिशन मेथड इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। एडिशन मेथड को ही एक्चुअली यहाँ पे नए जो आए हैं उनके बारे में बताया गया, ठीक है, एंड रिप्लेसमेंट मेथड जो रिप्लेस करके आए हैं यहाँ पे उनको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, तो वही फॉर्मूला यूज किया गया है, डिवाइडेड बाय हाफ 280 प्लस 25 नंबर ऑफ सेपरेशंस 65 एंड 280 फॉर दिस। ओके,
So this is added and ये जो 30 का था ना replacement, I think replacement का यहाँ पे included है. Out of this 30 were appointed in bank, मतलब 280 में ही आपका 30 included है, इसलिए अलग से नहीं show किया. ठीक है, तो with this you can see that you're getting the values for what? Sorry. You're getting the percentage for flux method as well as replacement method, separation method and addition method. हो गया यहाँ से आपका ये वाला solution solve. ठीक है, हम लोग अब next एक part सीखेंगे which is illustration 2. Illustration 2 हमारे institute mat में इसका formulations में थोड़ी सी गलती है. The reason which मैं आपको explain करके पूरा सम बता दे रही हूँ. ठीक है, let's start. The management of XYZ Limited is worried about the increasing labor turnover in the factory. Factory में turnover आपका rate बढ़ रहा है, तो उसको लेके management is worried. And before analyzing the cause and taking remedial steps, they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover. Labor turnover अगर बढ़ जाता है आपका, मतलब उनका there are chances the reason for which आपका profit कम हो सकता है. कंपनी का indirectly एक impact labor turnover से आता है. ठीक है, last year sales amounted to 83,03,300 and the profit volume ratio is 20%. profit volume ratio हम लोग एक formula मैं आपको बता दूंगी after some time. ठीक है, तो तब तक के लिए कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क बाय द डायरेक्ट लेबर फोर्स वाज ना 4.45 लाख, मतलब 4,45,000. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द डिलेज बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फाइलिंग वैकेंसीज ड्यू टू लेबर टर्नओवर 1000 पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स वेयर लॉस्ट. किस लिए लॉस्ट हो गया? यही सारे वैकेंसीज को इधर उधर करने में प्रोडक्टिव आवर्स आपका लॉस्ट हो गया. द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर इंक्लूडेड 30,000 आवर्स. डायरेक्ट लेबर आवर्स मतलब ये जो आपका आया है इसमें इंक्लूड है 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूटमेंट्स. दो लोग नए आए हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग दिया गया है जिसके पीछे आपका 30,000 आवर्स यही इसमें इंक्लूडेड है. बट आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वेर अनप्रोडक्टिव. इसका मतलब 30,000 में से 15,000 घंटे आपका पूरा अनप्रोडक्टिव हो गया, मतलब दैट इज ऑफ नो यूज. यहाँ पे वो इंक्लूडेड है. ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पे जो वन लैक पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स जो आपका लॉस्ट हो गया उसके साथ आपका ये जो आधा 30,000 का जो हाफ है दैट इज 15,000 ये आपका इसमें भी ऐड हो जाना चाहिए, है ना. 1 लाख पोटेंशियली, क्योंकि ये भी तो लॉस्ट हो गया ना, इसमें तो ये इंक्लूडेड नहीं है, इसमें बस नॉर्मली बता दिया गया है. ठीक है, लेकिन इसमें बता रहा है कि ये इंक्लूडेड था और ये आपका अनप्रोडक्टिव हो गया. ठीक है, तो जो सेंस ये अनप्रोडक्टिव हो गया इसी के ऊपर आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कर दी. ठीक है, जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको यहाँ पे अलग से क्यों दिखाया. ठीक है, नाउ द कॉस्ट इंकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑन लेबर टर्न ओवर रिवील्ड. एनालाइज करने से पता चला कि आपका सेटलिंग कॉस्ट इतना है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट इतना है, सिलेक्शन कॉस्ट इतना है एंड ट्रेनिंग कॉस्ट इतना है. ठीक है, एज्यूमिंग द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर टर्न ओवर, मतलब ये जो आपका टाइम जो कि आपका अनप्रोडक्टिव हो गया वो रीजन है आपका लेबर टर्न ओवर के वजह से. सो आप बताइए कि आपका प्रॉफिट फॉरगॉन लास्ट ईयर कितना होगा ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर. ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए वी हैव
कैलकुलेटेड कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले निकाला है एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर, एक्चुअल आवर्स वर्क्ड 4,45,000, ठीक है, लेस अनप्रोडक्टिव आवर्स मतलब 30,000 का 50%, मतलब सिंस हाफ इज नॉट ऑफ एनी यूज तो इसको लेस कर देंगे, और इसी में आपका 30,000 इंक्लूडेड है, ठीक है, तो इसका मतलब 30,000 इंक्लूड था जिसमें से 15,000 आपका ऑफ नो यूज मतलब अनप्रोडक्टिव हो गया, सिंस ये अनप्रोडक्टिव बन गया तो टोटल आवर्स लॉस्ट, लॉस्ट में तो ऑब्वियसली ये ऐड होना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट मैट ने इसको ऐड नहीं किया. ओके, सो दिस इज द करेक्शन पॉइंट वेर यू हैव टू करेक्ट इट. 15,000 आपको ऐड करना है 1,00,000 के साथ, किस वजह से, ट्रेनिंग के वजह से, फॉर ट्रेनिंग अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स. आगे आपका कितना, 1,15,000 आवर्स. ओके, नेक्स्ट इज सेल्स कॉस्ट. आपका सेल्स का फिर कितना कॉस्ट आना चाहिए, द सेल टर्नओवर जितना है उतना इनटू जितना आवर्स आपका काम हुआ है, जितना आपका लॉस्ट हुआ है, वो आप लॉस निकाल रहे हैं ना, आपने कितना फॉरवर्ड कर दिया प्रॉफिट, तो कितना आवर आपका लॉस्ट हो गया सेल्स के रिलेटिंग में, तो इनटू 1,15,000 डिवाइडेड बाई 4,30,000. 4,30,000 क्या है, आपका एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स. तो एक्चुअली द थिंग दे आर सेइंग इज दिस इज द सेल्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स. इससे आपको मिल जाएगा कितना आवर्स काम, कितना आपका चार्ज हुआ, कितना आपका सेल्स हुआ अमाउंट के हिसाब से, देन आपका लॉस्ट के बेसिस पे, आवर्स लॉस्ट के बेसिस पे आपने कितना पैसा खोया, आपका सेल्स कितना कम हो गया. दिस इज 22,20,650. आप कैलकुलेट करिए तो आपको ये मिल जाएगा. उसकी वजह से आपका लॉस ऑन कंट्रीब्यूशन कितना आया, पीवी रेशियो इनटू दिस वैल्यू सेल्स, पीवी रेशियो इनटू सेल्स, यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो वहां से आ गया आपका, यू विल गेट 4,44,130. ठीक है, सो आप यहाँ पे नजर डालिए, इंस्टेड ऑफ दिस मैंने ये काट दिया पूरी तरह से, यहाँ से देखिए 20% ऑफ 2,22,20,650, जिससे आ रहा है आपका 4,44,130. ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉरगॉन. तो हमने कितना प्रॉफिट फॉरगॉन किया, कंट्रीब्यूशन मेरा कितना गया, दैट इज 4,44,130. सेटलमेंट कॉस्ट ड्यूरिंग ड्यू टू लीविंग, ये यहाँ पे जो कॉस्ट है आपका सेटलमेंट कॉस्ट, ये यहाँ पे मैंने लिखा. देन यू आर एडिंग रिक्रूटमेंट कॉस्ट विच इज 26,740, देखिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है. एंड देन यू आर एडिंग द सिलेक्शन कॉस्ट, यू आर एडिंग ट्रेनिंग कॉस्ट, देन यू आर गेटिंग द प्रॉफिट फॉरगॉन. दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट फॉरगॉन एंड यही हमका आंसर होगा. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन. आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा होपफुली, द रीजन व्हाई मैंने आपको क्वेश्चन इतने डिटेल में समझाया. बस यही दो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का के लिए थोड़ा ट्रिकी है. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज अ इन द क्वेश्चन, आपका टेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, बिकॉज ये सॉल्यूशन दो तरह का है ना, क्योंकि मैट एक तरह से कि आपका अगर कंसेप्ट थोड़ा क्लियर रहेगा देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई यू आर एडिंग दिस लॉस्ट ओवर हियर. आपका आवर्स लॉस्ट में आप ट्रेनिंग की वजह से, ये तो आपका आवर्स लॉस्ट हो ही है ना, तो आप इसमें क्यों 15,000 ऐड कर रहे हैं. ठीक है, सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, यहीं तक है आपका. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट with the time, with the sums relating to आपके वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स में जितने भी सम्स है, एग्जाम्पल डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम, देन स्ट्रेट फीस रेट टाइम रेट, इस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट क्लास में
सम सॉल्व करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई दोज आर इन नीड. ओके सो थैंक यू फॉर द क्लास. हमारे सीरीज को ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डू स्टडी हार्ड इन द होम. आप खुद सेल्फ स्टडी करें, जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी मेरा छूटा है अभी तक, उनको आप थोड़ा नज़र से दोहराएं एंड प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो सीरीज रेगुलरली. आपकी लॉ की मैम, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन हर जॉब, सो प्लीज़ फॉलो हर फॉर हर लॉ क्लासेस एंड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस. मैं आपको ग्रुप वन एंड ग्रुप टू दोनों ही कॉस्ट का करा रही हूँ, सो प्लीज़ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू का जो भी सिलेबस है वो मैंने बाइफरकेट करके आपको हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फर्स्ट बजटिंग चैप्टर में, उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. सो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको किस तरह से पढ़ाने का डिसीजन लिया है. वी हैव स्टार्टेड द बजट इन दैट वीडियो सीरीज ग्रुप टू का. सो अगर आपको बजट स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट विद दैट. वहाँ पे बजट के साथ साथ मैं मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं करा दूंगी. सो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू का जो वीडियो सीरीज रहेगा वो पंच रहेगा, एक साथ दिखेगा आपको. जहाँ पे आपको दिखेगा कि ग्रुप वन सिर्फ ग्रुप टू लिखा हुआ है उस पेपर में, तो सिर्फ आप लोग वो वीडियोस नहीं देखें, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप टू के स्टूडेंट्स के लिए, ग्रुप वन के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. तो ग्रुप वन के स्टूडेंट्स के लिए जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगी, दिस इज फॉर ग्रुप वन स्टूडेंट्स एंड दैट इज फॉर ग्रुप टू स्टूडेंट्स. प्लीज़ फॉलो द वीडियो सीरीज रेगुलरली. थैंक यू. हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड टू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर न्यू वीडियोज कम्स यू गेट टू गेट नोटिफाइड. थैंक यू वंस अगेन.